हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ नॉन वेज चाउमीन। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन गाइस। मेरा इंग्रेडिएंट्स गाइस, यहाँ पे मैंने चार चाव बॉईल किया है। यहाँ पे मैंने चाउमीन हाका नूडल्स मसाला लिया है। यहाँ पे मैं एक बाउल चिकन ले रही हूँ। रेड चिली पाउडर, लहसुन, अदरक, कटा हुआ हरा मिर्च, कटे हुए प्याज आधा, 3 एग, नमक स्वाद अनुसार, टमाटो केचप, चिल्ली सॉस, सोया सॉस। यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है गाइस, और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। थोड़ा सा रंग ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसमें सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हल्का फ्राई कर लेना है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हम इसमें पैरा चिकन डाल देंगे। अब हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे गाइस। तो अब हम इसे चला लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया गाइस, और उसी कढ़ाई में अब हम अपना एग डालेंगे। अब हम इसे चला लेंगे अच्छी तरह। इसमें हम नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एग निकाल लिया, और अब हम उसी कढ़ाई में हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं, अदरक, और अब लहसुन डाल रहे हैं। इसमें अब प्याज ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मुलायम होने तक। यहाँ पे हमारा प्याज हो चुका है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना चाव। देखिए गाइस, इसमें भी मेरा चाव एकदम स्टिकी नहीं है। अगर आपको मेरा चाव स्टिकी क्यों नहीं होता है वो देखना है, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में चले जाएं, हाउ टू मेक चाउमीन। हम इसमें 1 कैप डाल रहे हैं सोया सॉस। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेना है गाइस, और आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो हमारा कलर अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिल्ली सॉस, जो कि हमें बहुत थोड़ा सा डालना है गाइस, और टमाटो केचप। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे गाइस। नमक डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और हम इसमें किंग्स चाइनीज हक्का नूडल्स चाउमीन मसाला डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और लास्ट में ऐड करेंगे हम अपना 1 भुजिया और चिकन, फ्राइड चिकन।
इसमें एग ऐड कर रहे हैं और चिल्ली। तो आइए अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसे अब हम सर्व करेंगे। मैंने चिंग चाइनीज मसाला थोड़ा और ऐड किया है गाइस फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है और ये खाने में बहुत लाजवाब है, टेस्टी है। आप भी इसे प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, तो मैंने इसे गाजर और बीट से हल्का गार्निश कर दिया है गाइस, और आप इसे प्लीज़ ट्राई करिएगा और प्लीज़ हिट द बेल आइकन गाइस। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।